खुशनुमा मौसम में आम का स्वाद मिल जाए तो मजा ही दोगुना हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा लखनऊ के गोमती नगर के पर्यटन भवन में शुरू हुए मैंगो फेस्टिवल में देखने को मिला। यहाँ आम, आम की सिवई, आम की कुल्फी, आम की खीर और मैंगो केक जैसे व्यंजनों के विभिन्न स्टॉल सजे हैं। ये अभी मार्केट में 100 रुपए किलो है, काफी अच्छा और मीठा आम है। और उसके बाद आप देखेंगे, हाँ हाँ इंडिया की ही है, उत्पादन हमारी यहीं पे होती है, यहीं के ब्रीड है। ये हमारी टॉम एटकिन है, ये कलरफुल वैरायटी है। ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो लोग भी खाते हैं, और इसमें आप देखेंगे रेशे नहीं होते हैं। और ये अमेरिका के फ्लोरिडा की वैरायटी है, ये आप देखेंगे 20 मिल गया हमें। आम के बारे में बताइए कौन कौन से हैं? ये गुलाब खास है, ये गुलाब खास है, ये गिलास है हमें। कौन सा? ये दोनों। अच्छा, और सिंदूरी है, दूरी सफेदा है, राणी है, अच्छा दशहरी है, सफेदा है, निंगड़ा है। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसे ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकें, पुख्ता अगरचे 20 हो 10 खाम भेजिए। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी साहब को आम से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने एक पूरी नज़्म आम के नाम लिख दिया। सागर खयाम साहब कहते हैं, आम तेरी ये खुशनसीबी है वरना लंगड़े पे कौन मरता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आम की तारीफ़ में इतने कसीदे क्यों पढ़ रही हूँ, तो भाई मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ हर तरफ आम ही आम है। यहाँ करीब 25 स्टॉल लगे हैं जहाँ आपको आम से बनी आइसक्रीम, आम सेवई, आम केक, आम कुल्फी, आम चटनी, आम अचार, आम पना मिल जाएगा। वहीं आम से बने नॉनवेज आइटम में आम रोगन जोश, आम कोफ्ता, आम कोरमा, आम बिरयानी जैसे व्यंजन नॉनवेज के शौकीन लोगों का दिल लुभा रहे हैं। हम लोग के पास आम का अचार होगा, आम की मीठी चटनी होगी, आम का चुंदा होगा, ये आम का अचार होगा। ओके, इसके कुछ फ़ायदे वगैरह बताएंगे? ये प्योर मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ है। अच्छा। जैसे गर्मियों में सब्जियां वब्जियाँ समझ में नहीं आती हैं तो जना इसके साथ अपना सारा फ्लेवर इन्जॉय करता है। हम लोग ने राम केला अमिया का बनाया हुआ है। मेरे पास ये दो व्यंजन हैं, एक तो ये है मैंगो राइस, ये खट्टा चटपटा है, ये साउथ इंडियन डिश है, और एक है मैंगो रवा केसरी। इसमें मैंने जानबूझ के लंगड़े आम का इस्तेमाल किया है जिससे ये खट्टा मीठा फ्लेवर दे। मेरे पास है मैंगो खीर, और ये है पनीर बना हुआ है हमारा, शाही दम पनीर, जो गार्लिक पनीर है, जो है उसमें हमने मैंगो का टेस्ट दिया हुआ है। आप सबके लिए मैंगो मफिन्स बनाए हुए हैं। अच्छा। देन हमारा मैंगो चॉकलेट केक है। ओके। जो कि हमारा होल व्हीट मैंगो चॉकलेट केक है। फिर ये हमारे मैंगो कर्ड फिल्ड मैंगो कप केक्स हैं। यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल जार केक है जिसमें हमारा कोकोनट केक और अल्फांसो मैंगो मूज यूज़ किया हुआ है हमने, और साथ में कश्मीरी केसर के साथ पाइनएप्पल भी दिया है। स्टॉलों पर मौजूद लोग विभिन्न व्यंजनों का स्वाद चखने में मग्न थे, तो दूसरी तरफ आम खाने की प्रतियोगिता चल रही थी। आम के बागों में बैठकर फोटो खिंचवाने का एहसास कराने वाले सेल्फी पॉइंट भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो देखा आपने, हम थे इस वक्त मैंगो फेस्टिवल में, जहां आम की तो अलग अलग वैरायटी थी, आम से बने अलग अलग व्यंजन थे जिसमें वेजिटेरियन, नॉन वेज, यहाँ तक कि आपने दाल भी देखी आम की बनी हुई, आपने रोगन जोश भी देखा, आपने चटनी देखी, आपने स्क्वैश देखा। यही खासियत है मैंगो फेस्टिवल को, और इसीलिए हम आपको घुमाने लाए थे मैंगो फेस्टिवल में। काविश अजीज़ लेने, अमरजाला.com।